मनासा उपज मंडी से रात का फायदा उठाकर चोरों ने व्यापारी का 13 बोरी धनिया किया चोरी। मनासा कृषि उपज मंडी में शेड में पड़े व्यापारी का धनिया चोरी होने की घटना सामने आई है। शनिवार को खड़ावदा निवासी व्यापारी बंशीलाल पोरवाल ने बताया कि मनासा कृषि उपज मंडी शेड में मेरा 30 बोरी धनिया पड़ा था, जो कि शुक्रवार के मध्यरात्रि में अज्ञात चोरों ने मौका देख 13 बोरी धनिया कीमत करीब 55,000 चोरी कर लिया। बंशीलाल पोरवाल महावरी ट्रेडिंग कंपनी से करीबन 15 साल से मनासा कृषि उपज मंडी में माल खरीदने का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि पहले भी मेरा कई बार मेरा माल मंडी से चोरी हो चुका है। कल हुए माल चोरी की सूचना मेरे द्वारा मंडी सचिव को दी गई है, किंतु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मनासा थाने पर भी आवेदन देकर घटना की जानकारी दी, पर अभी तक थाने से कोई घटना स्थल का मौका मुआवना करने कोई नहीं आया। मंडी प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं है। वहीं छपरे व मंडी में लगे CCTV कैमरे चालू है, पर रिकॉर्डिंग नहीं होती। मंडी के पीछे बाउंड्री वाल पर तार लगे हुए हैं, जहां भी चोरों द्वारा चोरी करने के लिए रास्ता बना रखा है। ऐसे में मंडी में पड़ा किसानों व व्यापारियों का माल सुरक्षित नहीं है। बंशीलाल सहित अन्य किसानों ने मंडी प्रशासन और पुलिस प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। खड़े हम मनासा के कृषि उपज मंडी में, यहाँ के किसानों ने हमें सूचना दी है कि मनासा कृषि उपज मंडी में जो माल पड़ा हुआ शेड में व्यापारियों का, वहाँ पर बीती रात करीब 14 से 15 बोरी धनिया चोरी हो गया है। किसानों का माल मनासा मंडी में सुरक्षित नहीं है, साथ ही यहाँ के जो CCTV कैमरे हैं वो भी बंद पड़े हैं। यहाँ के जो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ के जो CCTV कैमरे हैं वहाँ उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका जो मंडी में शेड में धनिया पड़ा था वो चोरी हो गया है, उसको लेकर इन्होंने हमें सूचना दी थी। हम इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा घटनाक्रम और किस तरह की यहाँ के हालात हैं। जी, आपका नाम? सतीश पोरवाल। क्या घटना है? घटना ये हुई है कि रात 28 तारीख को रात्रि में 13 बोरी धनिया गायब हो गया है, 13 से 14 बोरी माल का। कितना नुकसान हुआ करेगा? हमने 50 से 60 हज़ार का। यहाँ के जो मंडी सचिव है, उन्होंने आपसे मतलब आपने उनको जानकारी दी? हाँ, उनको जानकारी दी। फुटेज बंद है कि CCTV कैमरा लाइव चालू है, पर फुटेज बंद पड़े हैं, उनमें से रिकॉर्डिंग बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे चौकीदार कुछ है? चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले भी ऐसी कुछ घटना हुई? हाँ, हमारे साथ पहले 2 से 3 बोरी का पहले भी गायब हो चुकी है। उन्होंने उसका एक्शन नहीं लिया था कि बात ठीक है, 2-3 बोरी तो चलता रहता है मंडी का काम है। तो प्रतिदिन आपका माल यही? हाँ, प्रतिदिन यही खरीदना यही रहता है अपना माल। शेड में ही पड़ा रहता है, यही इसी जगह पड़ा रहता है। किस जगह से चोरी हुआ? यहीं पर इसी जगह से चोरी हुआ है, पीछे से। यहाँ से अपन उन्होंने दो शायद लगता है कि उन्होंने पीछे से एक बोरी पीछे से लेके गए हैं वो खेत खेत में, और बाकी उन्होंने टेम्पो भरा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। आप ही का माल था? हाँ। आप पहले भी घटनाक्रम हो चुकी है? हाँ, पहले भी हुआ ना। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साहब बिल्कुल कोई ये नहीं है क्या? तो इसमें क्या कि चौकीदार की व्यवस्था भी अच्छी होना चाहिए, इधर दीवार का ये भी अच्छा व्यवस्थित तरीका नहीं है, इधर दीवार ऊँची करना चाहिए। राहुल नाम से। मतलब पहले भी ऐसे घटनाक्रम हो चुकी है, मंडी से माल चोरी होना जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मनासा कृषि मंडी में किसानों का माल और व्यापारियों का माल सुरक्षित है कि नहीं? सर, आज से पहले तो यहाँ पे बहुत सुरक्षित मंडी मानी जाती थी, मतलब नीमच के बजाय यहाँ की बहुत तारीफ होती थी, बाकी अभी बीते 1.5-2 महीने से कुछ ज़्यादा ही घटनाएँ हो रही है। क्या अभी वर्तमान में क्या घटनाक्रम हुआ? वर्तमान में पहले 1-2 बोरी हुई थी इनके, फिर बाद में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर अभी ज़्यादा हो गया है कि ये पीछे के तार वगैरह सब खुले हुए हैं, यहाँ से आने जाने का पूरा व्यवस्था है, कोई भी आके यहाँ से निकल जाए किसी को मालूम नहीं पड़ा। करीब इनको कितना नुकसान हुआ होगा? इनको कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ। क्या नाम? राहुल गुप्ता।